मैथ्स मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी या फिर मेंटल अटैक टू हेल्थी स्टूडेंट्स। जी हाँ फ्रेंड, इन सभी को अब हम आ चुके हैं आपके साथ क्रॉस करने का। जी हाँ फ्रेंड, 12 मार्च को आपका पेपर है मैथ्स का। ले आई एम फ्रेंड आप सभी के लिए मैथ की इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पे आपसे बातें करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी। जी हाँ, कंप्लीट स्ट्रेटजी की कैसे आप प्रिपेयर करना है आज यानी कि 4th of March 2020 से 12th को आपका पेपर है। उससे पहले अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो फ्रेंड आप बिलीव करिएगा आप इस स्टेटमेंट को जो था मेंटल अटैक टू हेल्थी स्टूडेंट या फिर मेरी आत्मा तुझे बताएगी, आप खुद बोल के आएंगे सब फालतू डेफिनेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधे अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करना है आप सभी को। माय डियर, आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेट जो आप लोग लिए फ्रेंड आने वाला है। फ्रेंड स्टार्ट करते आज यानी कि 4th मार्च आप पेपर देके आ चुके हो फ्रेंड। इस स्ट्रेटजी पे आए उससे पहले उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर आज का बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो यानी कि पेपर को देने के बाद देख रहे हैं आप यानी कि आपका पेपर हो चुका है अगर फ्रेंड, तो जाइएगा, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक करके आइएगा कि आपका पेपर गया कैसे साइंस का, क्योंकि वहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पेपर का डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड जाके चेक करिएगा, अगर मार्क्स कम आएगा तो विश्वास करिएगा और बिलीव करिए और एक वादा हमसे कीजिएगा जो आज मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा आप उस स्ट्रेटजी को हमसे ज्यादा फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे जितना मार्क्स आप लूज करके आए हिंदी पेपर में, तो हिंदी का पेपर बहुत लेंथी था हमने देखा आपने जाना, साथ साथ हमने देखा इंग्लिश में कुछ ग्रामर मिस्टेक तो हुई होगी आपकी भी, तो वहां पे मार्क्स लूज हुआ। साइंस पेपर आई डोंट नो कि आप पेपर कैसा गया साइंस का, बट जैसा भी गया अगर मार्क्स कम आया तो अब समय आया हुआ है इस मैथ्स के साथ उसको कंप्लीट करने का। हम ले आए हुए हैं आपके लिए आप लोग के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी, तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल, ये चैनल आप लोग के लिए लेके आया हुआ है मैथ्स 12th मार्च जो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। आइदर आप बेसिक के हो आइदर आप स्टैंडर्ड के हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डोंट फॉरगेट एंड बी श्योर आप वीडियो एंड तक देखें विदाउट स्किपिंग एनी ऑफ दिस वीडियो मोमेंट। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं और चलते हैं यहाँ पे फ्लैशबैक टू द कम ऑन दिस डेट्स। फ्रेंड स्टार्ट करते हैं 4th मार्च यानी आज के दिन आप पेपर देके आए हो, थोड़ा सा थक गए होंगे आप, थके तो होंगे आप थोड़ा सा, क्योंकि जब कल का पेपर साइंस का था यानी कि आज पेपर साइंस का था तो आप में से तो बहुत सारे स्टूडेंट रात भर पढ़े होंगे। सिंपल सी बात है भाई, मैथ्स का साइंस पेपर था तो पढ़ना तो बनता था, तो बड़े बहुत बच्चे होंगे पूरी रात भर, अब थोड़ा सा थक चुके हैं तो क्या किया जाए क्या किया जाए। तो फ्रेंड आज दिन को आपको बर्बाद नहीं करना है, अगर रिकवर करना है हिंदी वाले मार्क्स को, अगर रिकवर करना है आज वाले साइंस वाले मार्क्स को, अगर रिकवर करना है सब चीजों को, तो आप आज के दिन को लूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, जो हो गया पास्ट में सो हो गया, अब समय फ्यूचर का, शर्म का पास्ट लिव इन प्रेजेंट कम ऑन सी आवर फ्यूचर। 4th मार्च आज आप बर्बाद नहीं करेंगे, आज आप आएंगे अपने चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, आप आएंगे प्रोबेबिलिटी पे, क्यों प्रोबेबिलिटी पे आएंगे, क्योंकि हल्का चैप्टर है, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 12th मार्च को पक्का क्या जी पक्का आएगा। सो डोंट फॉरगेट कि आप इस चैप्टर को पूरा करें। ठीक है फ्रेंड, एक बात और आप लोग के लिए, रोज यानी जिस दिन मैं यहां बता रहा हूं आपको, रोज आपको वीडियो मिलेगा, रोज आपको वीडियो मिलेगा कहां पे, आपके चैनल अभी अपडेट पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो 4th मार्च प्रोबेबिलिटी यानी आज आपको वीडियो जरूर मिलेगा प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी के साथ प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा चैप्टर है, अगर छोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। प्रोबेबिलिटी विद कंस्ट्रक्शन, जी हाँ फ्रेंड, आज आपको ये दो चैप्टर को बहुत अच्छा से करना होगा, किसको, प्रोबेबिलिटी और कंस्ट्रक्शन, आज इन दो चैप्टर को मगअप करना होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि दोनों से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो क्यों फॉरगेट करना है, दोनों को आज ही कंप्लीट करना है, कल के लिए नहीं होना चाहिए, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब आ गया कल का समय, क्योंकि रात भर पेपर दे के आए थे साइंस का और थोड़ा सा आराम किए होंगे, रस तो लिए ही होंगे आप,
उसके बाद आपने दो पढ़ा, फिर रात हो गया, सो लिए, माइंड फ्रेश हो गया, और जब माइंड फ्रेश हो गया तो आप आएंगे अब अपने बड़े चैप्टर्स पे। 5th मार्च, डोंट फॉरगेट टू रीड स्टडी ऑफ द चैप्टर दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए अच्छे से विथ आपका जो अगला चैप्टर है दैट इज योर हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ठीक है, बी शो रही है, आप इसको अच्छा से कंप्लीट करें। प्लस दो ही चैप्टर से काम नहीं चलेगा, अगर आप टाइम डिवाइड करो तो दिन में कितने घंटे, 3 हाफ, सुबह का हाफ, दोपहर का हाफ, एक शाम, एक रात का हाफ, देखा जाए तो सुबह का, दोपहर का, शाम का कहिए, रात का कहिए, तो 4 हाफ बन जाएगा। लेकिन चलिए मान लीजिए 3 हाफ आपके पास, 3 हाफ में आप क्या करेंगे, सुबह वाले में ट्रिग्नोमेट्री दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आएगा, बी श्योर, तो ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, फिर हाई डिस्टेंस एंड बाद में एपी, इन 3 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तीनों को आप कंप्लीट करेंगे 5th मार्च यानी कि कल। डोंट फॉरगेट कि आप इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि रोज आपको इस दिन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप इन्हें अच्छे से बस कर लीजिएगा, मैं करता हूं आपको, और मैं आपको इसका श्योरिटी देता हूं कि जो मैं आपको डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना, उसके अलावा एक क्वेश्चन भी इस चैप्टर के अलावा नहीं पूछा जाएगा। तो डोंट फॉरगेट कि आप ईच एवरी वीडियो देखिए अपने चैनल के अपडेट पे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं आपके साथ 6th मार्च की कहानी। 6th मार्च आ चुका है, क्या किया जाए, सरफेस एरिया वॉल्यूम। आई न्यू लंबा चैप्टर है, आई न्यू कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, एंड आई ऑल्सो न्यू कि यहां एक ट्रिकी चैप्टर है। गिव अस अ 4 डे, मैंने दिया आपको सरफेस एरिया, आप सरफेस एरिया पे पढ़िए, कब से, सुबह से, कब तक, शाम तक, रात 6-7 बजे तक आप सरफेस एरिया लगाएंगे। कब तक, सुबह से कब तक, शाम के 6-7 बजे तक क्या लगाएंगे सरफेस एरिया। बचेगा दिन, थोड़ा सा समय, शाम के रात के 3-4 घंटे बर्बाद नहीं होने देंगे। कम ऑन द रीजन ऑफ 4 और 5 का जो भी आपने पढ़ा छोड़ देंगे तो फिर भूल जाएंगे ना, तो भूलना नहीं है। क्या करना है, 4th और 5th मार्च जो वीडियो मैं आपको दूंगा इसके रिगार्डिंग और इसके रिगार्डिंग दोनों वीडियो को दोबारा आप फ्लैश बैक करके देखेंगे। कब, 4th और 5th की वीडियो देखेंगे आप 6th मार्च को, क्योंकि भूलेंगे नहीं तो रिविजन बैठेगा अपना। आते 7th मार्च की कहानी को रचेंगे आपके साथ यहाँ पे, डाट इज योर फ्रेंड। यहाँ पे 7th मार्च में आपको जो पढ़ना है आप लोग, इवेंट वो अपना है यहाँ पे ट्राइंगल। आई नो अगेन लंबा चैप्टर है, एक कंफ्यूजिंग चैप्टर, बट करना तो पड़ेगा। ट्राइंगल विथ गोइंग विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7th मार्च को, डोंट फॉरगेट, आप रहिए, बी शो रहिए आप यहाँ पे, ठीक है फिर अपने यहाँ पे, ठीक है। और फिर जस्ट हम एक वीडियो और डिस्कस करेंगे आपके साथ यहाँ पे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो आप उसको ध्यान पड़ेगा कि अगले पास इसके बाद जस्ट इसके बाद आप साथ डिस्कस करने वाले हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स क्वेश्चन आपके साथ आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब आता है आपका 8th मार्च, थोड़ा सा 8th मार्च के लिए तैयार रहिएगा, माइंड सेट रखिए, 8th मार्च को सबसे बड़ा महाभारत आप रच के आएंगे। 8th मार्च में देखिए क्या क्या पढ़ना आपको, आप 8th मार्च को पढ़ेंगे 4 हाफ को डिवाइड करिए, सुबह के हाफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोपहर के हाफ में आप पढ़ के आएंगे दैट इज योर पॉलीनोमियल, दोपहर वाले हाफ में, शाम वाले हाफ में आप पढ़ के आएंगे दैट इज योर रियल नंबर, रियल नंबर, और रात वाले हाफ में आप पढ़ के आएंगे दैट इज योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तक करना पड़ेगा आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर, आप इसको पढ़ के आएंगे। यानी 8th को हर हाफ में, सुबह वाले में क्वाड्रेटिक, दोपहर वाले में पॉलीनोमियल, शाम वाले में रियल आपका जो नंबर है, और रात वाले में पेयर ऑफ इक्वेशन, क्लियर है। क्यों रखा, आपने रिवाइज भी कर लिया, सब कुछ सही सेट चल रहा है। आते हैं 9th मार्च को, 9th मार्च में आप जो पढ़ेंगे अपना वो होगा सर्कल, सर्कल क्या पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे विथ, सर्कल विथ एरिया रिलेटेड सर्कल, दोनों चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना, पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 9th मार्च को क्या करना, सर्कल करना और एरिया रिलेटेड सर्कल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रोज उस दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर चैनल। एंड आपसे फिर हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स साथ, ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सब कुछ किया जा रहा है आपके लिए, सो प्लीज इस वीडियो को शेयर जल्दी से कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ जो किया जाएगा
वो बिलीव करिए इंपॉर्टेंट ही नहीं बहुत कुछ खास होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और देखते हैं कि टेंथ की कहानी में क्या रखा गया है। टेंथ के लिए मैंने रखा है स्टैट्स, सिर्फ स्टैट्स। कब तक स्टैट्स चैप्टर है, कम से कम यार 12 बजे तो निपट जाएगा अपना, बस उतना निपटा दीजिएगा। और फिर 7, 8 और 9 को जो आपने पढ़ा उसको रिविजन करिएगा, क्योंकि 12 बजे तक तो हो जाएगा अपना स्टैट्स। 12 बजे के बाद शाम के, ठीक है, 12 बजे के बाद से रात तक का समय है, तो यार इतने ज्यादा घंटे बचे हैं भाई, तो ये रिवाइज नहीं हो जाएगा। और एग्जाम का अलग से प्रेशर, यानी कि भैया तो दिमाग तो और तेज चलता है एग्जाम समय तो अपने माइंड को भाई 4G लगाना पड़ता है, तो और तेज चलेगा दिमाग भाई, चलाना पड़ेगा। तो जब चलेगा तो ये सबको करना पड़ेगा रिवाइज इसके बाद, यानी कि 10th मार्च के दोपहर के बाद से रात तक में खाना पीना खा के बस रात तक में लगा के बैठिए, पूरा रिवाइज करिए, पूरा समय मिलेगा। 11th को फिर से कंप्लीट किताब खोलिए, सब कुछ रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस देखिए, बाकी क्या बचा। 12th को तो बस फिर चलना है आपको और लिख के आना एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड ये थी स्ट्रैटेजी, उम्मीद करते हैं आपको स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी होगी और स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए, आप स्ट्रैटेजी फॉलो करिएगा। मैं आपको छोटी देता हूं, कोई आपको रोकेगा नहीं, आप भले बेसिक क्यों, आप भले स्टैंडर्ड क्यों, कोई रोक नहीं सकता आपको इस चीज को पाने के लिए। ये मैं आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं अपना यहाँ पे ना, रिजल्ट में जब आप देखोगे ना, जब रिजल्ट में देखोगे ना फ्रेंड, तो आपको ये देखने को मिलेगा आपके रिजल्ट में। सो प्लीज भी हमें आप इसको स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। मैं आपको छोड़ देता हूं कि आप रिजल्ट में 100% ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल अभी आप सब्सक्राइब करिएगा। हमारी कोशिश आपका है 100% मैथ्स में। सो चलिए मिलेंगे फिर आपके साथ जस्ट इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। डोंट फॉरगेट कि आप वीडियो को देखें, और अगर आपका पेपर हो गया है साइंस का, अच्छा गया ही होगा, मालूम है आपका पेपर अच्छा गया है, तो आप जाके लिंक देते हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा सॉल्यूशन को। बट आप सॉल्यूशन को देखने के बाद पूरी मेहनत से और अपनी स्पीड को बढ़ा के आ जाइएगा मैथ स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी को देखिए, फॉलो करना शुरू करिए। जस्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है 4th मार्च, यानी कि आज की इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है आप लोग के लिए, इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी से और कंस्ट्रक्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द 12th मार्च। मिलते हैं फिर आप साथ अगली वीडियो में, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।